विजडम एकेडमी, आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरे जो डिटिपल एस बी पी आर टी में मार्क्स देखे होंगे या फिर जो एम टी एस के मार्क्स देखे या वट एवर जो भी मार्क्स आपने सारे देखे, तो उसके बाद आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो और टेलीग्राम पर मैसेजेस कर रहे हो कि मीन्स आपने कोचिंग कहाँ से ली है, आपने तैयारी कहाँ से करी, प्रिपरेशन कहाँ से करी। और बेसिकली जब कल एक वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि यमुना विहार नियर बाय समथिंग यमुना विहार बोला, तो वहाँ पर्टिकुलर के बच्चों से बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप यहीं कहीं रहते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ बेस्ट कोचिंग कौन सी है, अच्छी कोचिंग कौन सी है, हम कहाँ से कोचिंग करें, सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो मैंने सोचा, और फिर आप साथ में मुझे ये भी बोल रहे हो कि आप में कितना एटीट्यूड है, आप यहाँ पे रहते हो और हमें कोचिंग नहीं सजेस्ट कर सकते, आप इतने पास में हो हमें बताओ, हमें सजेस्ट करो, आप इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसमें एटीट्यूड क्या दिखाया या मतलब किस बात पे मैंने आपको क्या बोला कि ये लग रहा है कि मैं आपको एटीट्यूड दिखा रही हूँ। इवन मैं ट्राई करती हूँ कि हर एक बंदा जो मेरे को कमेंट कर रहा है उसको रिप्लाई कर सकूँ, और मैं रिप्लाई करती भी हूँ हर एक चीज़ जो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेजेस करते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैं उनसे बात भी करने की ट्राई करती हूँ एज मच एज पॉसिबल, और मैं करती हूँ। बट स्टिल अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ या एटीट्यूड दिखाती हूँ, तो इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि आपकी थिंकिंग है, इट्स ओके, इट्स फाइन। सो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने इस अच्छे से मुझे ऑब्जर्व करा कि यस मेरे अंदर एटीट्यूड है, इट्स ओके। सो बेसिकली मुझे इस वीडियो में आपका एक डाउट ये क्लियर करना था कि मैं किसी भी बच्चे को कोई कोचिंग या कोई दिल्ली में जो बच्चे बाहर से आना चाहते हैं, जैसे मेरे पास मैसेज आया था एक लड़की यूपी की मेरठ से यहाँ पे आना चाहती है तैयारी करने के लिए, और उसने बोला था कि दी मुझे कोई यहाँ पे कोचिंग सजेस्ट करो, बट मैंने उसको नहीं करा। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे थे जो दिल्ली में ही रहते हैं, उन्होंने यहाँ से पूछा कि मुझे कोचिंग बताओ, या जो है मैंने उनको सजेस्ट नहीं करा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे रीज़न बताती हूँ कि मैं आप लोगों को कोचिंग सेंटर या कुछ भी सजेस्ट क्यों नहीं करती। मैं आपको बार 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 यही बोलती हूँ कि आप किसी के सजेशन में मत आओ, आप खुद चीज़ें पहले ऑब्जर्व करो और उसके बाद आप किसी चीज़ पे जाओ। मीन्स मान लो मेरे लिए कोई चीज़ अच्छी है, मेरे लिए कोई चीज़ बेनिफिशियल है, मैंने आपको बोली कि आप उसको जाओ, बट ज़रूरी थोड़ी वो चीज़ आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो फर्स्ट अच्छा ये होगा कि आप खुद से जाके उसको ऑब्जर्व करो और फिर देखो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं, ठीक है। तो कोचिंग सेंटर का एक सब मेरे साथ क्या हुआ था, 2018 की बात है ये, ठीक है, 2018 उस टाइम में मैंने ताजी ताजी डाइट करी थी। तो डाइट करने के बाद होता है ना, नौकरी लेनी है, डिटर प्लस भी प्याटी क्लियर करना है, ये है वो है क्लियर करना है, नौकरी लेनी है, और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो उसका तो खैर कोई नहीं, बट हाँ की तैयारी करनी है। तो हर कोई बच्चा, इवन हर एक स्टूडेंट, सबके दिमाग में ही आते ही होगा कि उसको कोचिंग लेनी चाहिए, जैसे कि अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। और आप लोग मुझसे पूछते हो कि इसकी तैयारी कैसे करें, कौन सा कोचिंग सेंटर लें, क्या कोचिंग सेंटर लेना सही है, कोचिंग ज्वाइन करना सही है, या सेल्फ स्टडी करें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उस टाइम में मैं भी, 4 साल पहले की बात है, 2022 चल रहा है, 2018 की बात है ये, सो मेरे को भी लगा कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, क्यों, कोचिंग से क्या है मेरा बेस अच्छा बन जाएगा, और मुझे कुछ सिलेबस वगैरह नहीं पता था, तो मुझे सिलेबस पता चल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो मैंने सोचा कि हम कोचिंग लेते हैं, ठीक है, कोचिंग लेते हैं। तो इसलिए मैंने पता करा, और जिस लोकेलिटी में मैं रहती हूँ दिल्ली में, आप लोगों को पता है कि यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, ठीक है। जो राजेंद्र नगर स्पेशली वो फेमस है IPS IAS इन वाली के लिए, ठीक है, और जो मुखर्जी नगर है यहाँ पे SSC वगैरह की कोचिंगें बहुत ज़्यादा हैं, IAS IPS की भी है, UPSC की भी है, बट SSC वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो हर एक बच्चे का दिमाग ना भीड़ की तरफ जाता है, मीन्स कि एक जना एक जगह जा रहा है, भले वो सही है, बट हम उन 100 लोगों के साथ जाना प्रेफर करेंगे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ वहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। उस टाइम पे मैं बिल्कुल न्यू थी, मुझे इतना ज़्यादा नहीं था कि क्या करें क्या नहीं, ठीक है, कहते हैं ना बंदा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तो वो चीज़ मैंने भी लर्न करी। तो 2018 में तो मुखर्जी, वो राजेंद्र नगर का तो हटा दो क्योंकि UPSC वाली तो भाई मेरी औकात है नहीं, तो वहाँ पे तो नहीं गए। मेरे पास जो एरिया है वहाँ से यमुना विहार और मुखर्जी नगर, मतलब ये पास में पढ़ते हैं, यमुना विहार में भी ना बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। तो मैं वहाँ पे भी पता करने गई कि क्या क्या है, मैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर पे गई, मैंने पता करा। फिर इसी के साथ राजेंद्र नगर तो नहीं जाना था, मुखर्जी नगर गई, मुखर्जी नगर पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, मैंने पता करी। और वहाँ पे मुखर्जी नगर में ना स्पेशली टीचिंग को डिवोटेड जो थे ना कोचिंग सेंटर, एक ही था, कोई भी नहीं था, सिर्फ एक था, और वो बहुत बड़े यूट्यूब पे नाम भी है। आज 4 साल पहले इतना बड़ा नहीं था उनका, बट यस वहाँ मैं वहाँ पे भी गई थी, मैंने पता करने में वहाँ पे भी गई थी।
तो जब मैं यमुना बिहार गई तो मुझे ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। और सेकंड चीज़ ना, एक मेरे दिमाग में एक चीज़ घर कर गई थी कि मुखर्जी नगर से जो बच्चा पढ़ता है ना वही क्लियर करता है, मुखर्जी नगर जाना है, मुखर्जी नगर से क्लियर करो, मुखर्जी नगर से पढ़ो, सब चीज़ दिमाग में बैठी होती है। ठीक है, अभी भी अगर आपको IAS IPS की तैयारी करनी है ना तो आपके दिमाग में ये आएगा सीधे दिल्ली चलो, दिल्ली जाओ, दिल्ली में मुखर्जी नगर जाओ। ऐसा नहीं है कि MP में नहीं निकलती, IAS IPS क्लियर नहीं करते, या बिहार में रह के बच्चे नहीं करते, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वहीं का होता है। बट क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट आर माइंड सेट। उस टाइम पे फिर इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कैसे क्या करना है, तो मैं भी मुखर्जी नगर, मुझे लगा कि यमुना बिहार है कि मुखर्जी नगर है, अगर मैं अप डाउन कर सकती हूँ तो मैं मुखर्जी नगर का क्यों ना करूँ, जबकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और लोग तो दिल्ली के बाहर से आते हैं वहाँ पे तैयारी करने, तो मुझे लगा जाना चाहिए मुखर्जी नगर। अब मुखर्जी नगर मैं गई, वहाँ पे मैंने सर्च करा, सुरेखा करके कोई शायद वेबसाइट होती है, वहाँ पे सर्च करा तो वहाँ पे एक बहुत सबसे ऊपर ही पहले नंबर पे टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट उसको बता रहे थे मुखर्जी नगर में। वो एक नाम था, मैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगी क्योंकि शायद वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं नाम नहीं लूंगी। तो सुरेखा.com समथिंग ही करके वो साइट थी, उस टाइम पे मैंने सर्च करा तो हाँ वो साइट जो थी सबसे ऊपर आ रहा था, वो दिखा रहा था कि टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता है यहाँ पे अध्ययन मंत्र और TN में, पंजाबी बाग में TN बहुत ज़्यादा फेमस थे। बट मैंने वहाँ पे जाना इसलिए प्रेफर नहीं करा क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत बहुत ज़्यादा, एक बैच में 100-100 बच्चे, 80-80 बच्चे, तो मुझे लगा कि मेरी तो आइडेंटिटी इसमें कहीं कुछ होगी नहीं, मुझे मुझे मीन्स क्वेश्चन पूछना होगा, इतने सारे बच्चे होंगे मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगी। और फिर मीन्स एक हेजिटेट सी फील होती है ना, कि मीन्स हेजिटेट करते हैं हम पूछने में, हमारा लेवल बहुत कम था, मैं उस टाइम बिल्कुल फ्रेशर थी और बच्चे जो होंगे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ना, सो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। तो क्या हुआ, मैं मुखर्जी नगर में गई, मैं एक इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर वहाँ पे था, वो सबसे ऊपर हाईएस्ट उसमें दिखा रहा था, तो मुझे लगा ये ठीक है जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या थी, वो इंस्टीट्यूट ना पूरा टीचिंग के लिए ही था। मुखर्जी नगर में आप जाओगे ना SSC के लिए होगा, CDS के लिए होगा, बहुत सारे अलग 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 तरीकों के लिए होगा, और वो Part 1 टीचिंग के, Part 1 की तैयारी भी करा देते हैं। बट येस, वहाँ पर भी टीचिंग के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था, अभी भी बहुत कम है मार्केट में, अब तो पहले से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन क्रांति जो हुई है ना कोरोना की वजह से, उसके बाद से बहुत सारे हो चुके हैं, बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने वहाँ पे जब ज्वाइन, मैंने देखा कि वहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब वो जो है CTET की भी तैयारी करा रहा था और साइकोलॉजी और ये सारी चीज़ें, मीन्स वो पूरा टीचिंग के लिए ही था, मीन्स टीचर उसको तैयार करने थे, PRT TGT PGT वो उसके लिए था। मैंने 1-2 दिन 3 दिन डेमो क्लास ली, ठीक है, वहाँ पे गए, और मेरा एक फ्रेंड भी वहाँ पे जा रहा था तो उसने बोला कि हाँ ठीक है तू ज्वाइन कर सकती है। बट ये जो है ना सिर्फ बाहर बाहर का था, रियलिटी अंदर की क्या होती है किसी को नहीं पता चलता, ये जब बाद में फील करते हैं ना तभी पता चलता है। तो 2-3 दिन मैंने एडमिशन, मतलब मैंने डेमो क्लास ली, तो इट वॉज ओके। जब स्टार्टिंग में सब दिखाते हैं तो अच्छे ही दिखाते हैं ना, जब आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार किसी से मिलोगे तो जाते ही थप्पड़ थोड़ी ना मारोगे, अच्छे से ही तो मिलोगे, अच्छे से अपनी बातें बातें करोगे सब कुछ, जब आपके साथ इंसान रहने लगेगा तब धीरे धीरे आपको जानेगा। तो जब मैं वहाँ पे कोचिंग में मैंने एंटर करा, 15,000 रुपीज़ फीस थी, तीसरे दिन की डेमो क्लास के एंड में ही उन्होंने मेरे से 15,000 रुपीज़ ले लिए, ठीक है, 15,000 रुपये मैंने वहाँ पे सबमिट कर दिए। बट ये था कि कोचिंग लेनी है, पढ़ना है तो करना तो है। तो जैसे ही मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट करा, 15 दिन के अंदर ही अंदर ना मुझे रियलिटी दिखनी स्टार्ट हो गई। रियलिटी इन द सेंस कि जो PRT का बैच है ना, जो PRT के बच्चे हैं उसमें ही वो CTET वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। आपको भी पता है CTET का सिलेबस टोटली अलग है, पेडागोजी आती है 15 नंबर की और 15 नंबर का सिलेबस। तो जो मैथ्स हम PRT वाले कर रहे हैं वो CTET वालों को भी वही मैथ्स करा रहे हैं, और जो CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, वो पढ़ा रहे हैं CTET वालों को, हम PRT वालों को वही CDP पढ़ा रहे हैं, जबकि हम तो वो पढ़ चुके हैं, हमें आ रहा है साइकोलॉजी का काम है। सो धीरे धीरे ये थोड़ा सा मुझे लगना स्टार्ट हुआ कि ये मैंने क्या करा, मेरा वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, आने जाने में टाइम लगता है, मैंने क्या करा। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ा, मीन्स कि CTET और PRT वालों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। सेकेंड चीज़, TGT वाले भी हमारे साथ ही पढ़ते थे, Part 1 के लिए सेम था, Part 2 के लिए उनके लिए कुछ और था। सेकेंड चीज़, दिक्कत वाली बात क्या थी, वहाँ पे ना फैसिलिटी, जो फैसिलिटेटर थे, फैकल्टी जो थी वो फिक्स ही नहीं थी, मीन्स कभी हिंदी के लिए कोई टीचर आ रहा है, या कभी जो है GK के लिए कोई और टीचर आ रहा है, कभी इंग्लिश के लिए कोई टीचर आ रहा है, मीन्स अलग अलग हो रहे हैं, मीन्स कि हमें एक फ्लो में आदत पड़ जाती है ना कि हमें इस टीचर से पढ़ना है, ये हमारी इसकी फैकल्टी है, नहीं। बट वो क्या है, उनको कहते हैं आज हिंदी का टीचर नहीं मिला, आज इंग्लिश का टीचर नहीं मिला, मीन्स पता नहीं क्या है। मुखर्जी नगर में होता है कि पेड आवर्स होते हैं, कि एक आर के कुछ पैसे होता है, तो जो टीचर जिस टाइम पे अवेलेबल है उसको बुला लेते हैं। तो एक तो फिर सेकंड चीज़ मुझे ये लगनी स्टार्ट हुई कि ये क्या है, मतलब टीचर ही हमारे फिक्स नहीं है, कैसे पढ़ें,
कोई टीचर आने का तरीका कुछ है, किसी के टीचर के पढ़ाने का तरीका कुछ है, एक से समझ नहीं की आदत आ जाएगी तो दूसरा टीचर चेंज हो जाता है। ये 20 दिन में बहुत 2 से 3 बार हो चुका था। फिर अब ऐसे जीएस के पोर्शन में एक टीचर ने आया हिस्ट्री करानी स्टार्ट करी, एक टीचर ने आया ज्योग्राफी करानी स्टार्ट करी, एक टीचर ने आके हमें पॉलिटी करानी स्टार्ट करी। और ये आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि डेली बेसिस पे क्लासेस लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई 4 दिन में एक बार आ रहा है, कोई 5 दिन में एक बार आ रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने कराना शुरू करा, एक बार हिस्ट्री स्टार्ट हो गई, पॉलिटी स्टार्ट हो गई, दो दो तीन तीन क्लास हो गई, उसके बाद कुछ पता ही नहीं। साइकोलॉजी का सही है, सीटेट वाले भी, पीआरटी वाले भी, टीजीटी वाले भी, सब एक साथ ही बैठ के पढ़ रहे हैं। सो वहां से था मुझे रियलिटी चेक मिलना स्टार्ट हुआ कि भाई गलत है, मैंने पैसे बेकार करे अपने, मेरा टाइम भी वेस्ट हो रही थी, मेरी एनर्जी भी वेस्ट हो रहा था, और पैसे तो घर वालों के गए ही थे, जिसके लिए मैं आज तक गाली सुनती हूँ, ठीक है। सो मैंने अपने दोस्त को भी बहुत गाली दी कि तुझे पता थी ये सारी चीजें, स्टिल उसने मुझे फंसाया। देखो ये खुद के दोस्त लोग ऐसे होते हैं, उसे पता था कि ऐसे सब हो रहा है, स्टिल उसने बोला कि अच्छा है तू ज्वाइन कर ले, ठीक है। उसके कहने पे मैं गई कि भाई ये बंदा वहां पे 1 महीने से पढ़ रहा है तो इसको नॉलेज होगी। तो देखो खुद के दोस्त ऐसे करते हैं, वो मेरा फ्रेंड था, मेरी उससे इतनी अच्छी बात होती थी, उसके बाद से तो मैं बात ही नहीं करी। खैर उसकी तो नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी। तो मीन्स उसको पता था बट स्टिल उसने फंसाया कि मीन्स मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मेरे पैसे खराब गए ना, तो जितनों को भी लाना है लिया, औरों को भी खराब करो, ऐसे ही नहीं, मेरे को भी बोला, एक दो को और बोला। तो अब ऐसी करके क्लासेस चल रही थी, अब पता तो था कि करना तो है ही, जिस दिन मैथ्स इंग्लिश की क्लास होती थी मैं जाती थी, अदरवाइज मैं स्किप करती थी, नहीं जाऊँ। और मीन्स ऐसे करके कुछ फिक्स नहीं था, कोई टाइम टेबल वगैरह, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता था आज इसकी क्लास नहीं होगी, आज उसकी क्लास नहीं होगी, इतने सारे एब्सेंट होते थे। ये एक महीने के अंदर ही अंदर हो गया था, मीन्स 40 दिन मैंने मैक्सिमम कोचिंग गई होंगी और उस 40 दिन में ये चीज हुई। बट स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छी चीजें दिखाई गई थी, ऐसे होता है वैसे होता है ये करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या लगी थी, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है ना पढ़ने का, कोचिंग सेंटर वाले 3 से 4 महीने देते हैं, बट इन्होंने मुझे बोला था 6 महीने आप पढ़ो, 6 महीने में आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा, इसके बाद 6 महीने आप लोग आकर के क्लास ले सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने डाउट वगैरह पूरा 1 साल पूरा 6 महीने पूछ सकते हो। तो मुझे लगा भाई 1 साल के लिए बिजी रहेंगे, अब 1 साल में इतना तो कुछ दिमाग में घुसेगा ना कि कुछ तो कर सकते हैं। बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जो वहाँ के एक दिन हम ट्यूशन जाते हैं, एक दिन, और ये बहुत अच्छी लोकेलिटी में मुखर्जी नगर में बत्रा हाउस, सुना होगा आपने, मीन्स बत्रा हाउस में जैना कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अच्छा सा और था पूरा रूम वगैरह सेटअप, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा। एक दिन हम कोचिंग लेने जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं ताला लगा हुआ है, वहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं। हम नेक्स्ट दिन गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, वहाँ पे ताला लगा हुआ है, 4 दिन तक वहाँ पे ताला लगा हुआ है और वहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं, कुछ पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे ही जाते रहे। 5वें दिन वहाँ पे खुला हुआ था ऑफिस, हम गए वहाँ पे कि क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने बताया कि भाई जो यहाँ के ऑनर थे ना वो भाग गए। मीन्स हम कह रहे भाग गए, मीन इन द सेंस क्या भाग गए क्या, वो कह रहे जो यहाँ के सर थे ना, ऑनर जिनके पास था, वो इनकी जॉब लग गई है, वो यहाँ से चले गए हैं, या वो यहाँ से पैसे लेके बच्चों के भाग गए हैं और सारी चीज़ें। मैंने कहा ये भाई ये क्या हुआ, मतलब हमें तो समझ में नहीं आया ये क्या है। तो वो वहाँ के जो उनका असिस्टेंट था उससे हमने बात करी, वो हमने कॉल वगैरह जो नंबर दिए होते थे, मतलब 2-3 नंबर उनके होते हैं ना, उन पे अलग अलग नंबरों पे ट्राई करा, तो नंबर पहले तो उठते थे बट फिर वो उठने ही बंद हो गए। पहले तो उन्होंने बोला हाँ 1 हफ्ते बाद क्लास होगी, 5 दिन बाद क्लास होगी, बट उसके बाद वो नंबर ही उठने बंद हो गए। फिर धीरे धीरे मतलब 5-6 दिन समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, और एकदम से था क्योंकि मुझे सिर्फ 40 दिन ही हुए थे जाते हुए, 40 दिन जिसमें बीच में मतलब 40 दिन ही जाते हुए थे, और 15,000 रुपये लगता है भाई एज अ स्टूडेंट घर वालों के लेके दिए हैं तो बहुत ज़्यादा था। मैंने तो फिर भी 40 दिन क्लास ली थी, बट वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको एडमिशन लिए सिर्फ 4 से 5 दिन हुए थे और उनके पूरे पूरे 15,000 रुपये गए थे। मीन्स उस टाइम पे पता है हुआ क्या था, वो जो सर थे ना बच्चों के एडमिशन बहुत ज़्यादा आने लग गए थे, उन्होंने surekha.com समथिंग पे बहुत सारे साइट पे अपनी जो है एडवर्टाइजमेंट करी हुई थी, तो बहुत सारे बच्चे आए थे, उन्होंने TGT PRT CTET वाले PGT सबसे पैसे लेके रख लिए, तो अप्रोक्स उनके पास ना अमाउंट हो चुका था 7-8 लाख। ठीक है, वो हमको बोल रहे थे कि हम एक नए बिल्डिंग में शिफ्ट करने वाले हैं, मीन्स हमारा जो क्लासरूम है वो बड़ी होगी, समथिंग चीज़ें ऐसी। तो उनके पास कुछ अमाउंट जो है 8-9 लाख का इस तरीके से कलेक्ट हो गया था, और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे ताला लग गया, वो पैसे लेके भाग गए। ठीक है, सारे बच्चों के जो थे वो पैसे लेके भाग गए, मींस जो इंस्टीट्यूट है, रनिंग इंस्टीट्यूट है, वो रातों रात बंद हो गया। वहाँ के ओनर जो थे वो पैसे लेके भाग गए या जो भी हुआ हमें नहीं पता। अब एज अ स्टूडेंट हम क्या ही कर सकते हैं, 4 साल पहले, और सारे सब मेरी एज के थे उस टाइम पे, TGT PGT वाले वो थोड़े बड़े थे और वो पहले से भी क्लासेस ले रहे थे, तो वो इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते थे। हमारे समझ में नहीं आया कि हम क्या करें क्या नहीं। 15 दिन लगातार हम
वहाँ पे गए तो वो जो उनका असिस्टेंट था कि अब मैं क्या करूँ, हम कह रहे भाई तू पैसे दे क्योंकि फीस तो हमने उस असिस्टेंट को ही दी थी, वो कह रहा पैसे लेके तो वो गए ना मैं क्या करूँ। फिर हमको उसने बहुत वो करा कि मैं यहाँ की सीटें वगैरह बेच के पैसे दे दूंगा, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं बेच दूंगा क्योंकि अब बच्चों ने पैसे दिए हैं भरोसे करके, मैं क्या करूँ मैं कैसे करूँ हैंडल, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ेगा, रनिंग इंस्टीट्यूट है, मेरे इनकम ऑफ सोर्स चला गया, सो ऑन करके जो सब बहाने देते हैं हमें नहीं पता मे बी वो इन्वॉल्व हो या नहीं, क्या हो क्या नहीं पता। उसने हमको बहुत बोला कि ये सब करके मैं बेच बाच के पैसे दे दूंगा, थोड़े थोड़े जितना भी है कुछ ना कुछ तो मैं पैसे जरूर दूंगा, ऐसे करके उसने हमको रिलैक्स करा क्योंकि यूथ था भड़क पड़ता है एकदम से। ठीक है, 2-3 दिन बाद का उसने टाइम दिया कि तब आओ हम चले गए, 2-3 दिन बाद आए तो बिल्कुल ही ताला बंद खत्म सब कुछ। तो वहां पे बताया कि ये तो खाली वाली करके चले गए, अपना सामान वामान लेके यहाँ से चले गए, कहाँ गए क्या नहीं गए किसी को नहीं पता, वो नंबर जो है वो बंद हो गए। काफी बार ट्राई करे कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला। फिर वहाँ पे मुखर्जी नगर में ही थाना है, मुखर्जी नगर में हम लोगों ने जाके कंप्लेन कराई। एक तो मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि FIR दर्ज करा रहे हैं मेरा नाम आ जाएगा तो आगे जाके मैं गवर्नमेंट जॉब पता नहीं दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, कुछ ऐसा होता है ना कि आपका FIR में नाम आ जाता है तो आप दे नहीं सकते कोई एग्जाम। तो मैं करवाने वाली थी, नॉट कि मेरे ऊपर थी बट मेरे को डर था, मतलब मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बट जो भी था सारे लोग थे 20-25 लोग थे जो थे इस चीज के लिए रेडी। हम लोगों ने मिलकर कंप्लेन करी थाने में, पूरी FIR दर्ज कराई, अपनी नीचे जीमेल आईडी लिखी, साइन करे, और उस FIR की कॉपी हमारे पास अभी तक है, मीन्स मेरे पास तो वो अभी तक है। बट वो पुलिस स्टेशन पर उन्होंने बोला कि ऐसे तो कितना केस होते हैं यहाँ पे, कितने इंस्टीट्यूट आते हैं दिनों दिन रातों रात बंद हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। कह रहे ये मुखर्जी नगर है, यहाँ कितने इंस्टीट्यूट आते हैं कितने बंद होते हैं आप काउंट भी नहीं कर सकते, यहाँ पे आते हैं बंद होते हैं और ऐसे लूट के चले जाते हैं। कह रहे आपका पहला केस थोड़ी है, कितने सारे हम लोग इतने सालों से यहीं पर है, यही होता है। तो इस वजह से ये मेरा फिर पर्सनल एक्सपीरियंस था, मुझे वहां से लगा कि भैया गलती हो गई, कोचिंग वगैरह रहने तो सब बेकार है, बहुत एनर्जी टाइम सब कुछ वेस्ट करो, और मेंटली हैरेसमेंट हुई वो अलग, सोच सोच के इतना दिमाग खराब होते थे। उसके बाद KVS का वैकेंसी आई और KVS ने इस बार पूरा पैटर्न चेंज कर दिया था, आपको पता होगा 20 की EVS, 20 का साइंस, ये सब पहले आसान था पैटर्न, तो वो वैकेंसी निकली तो मैं अभी सब छोड़ के अपनी तैयारी करने लगी। और मैंने तैयारी करी, KVS में मेरे को बहुत अच्छा स्कोर मिला सेल्फ स्टडी से, तो भाई वहां से एक दिमाग में मेरी चीज क्लियर हो गई कि कोचिंग से बेस्ट है सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी से रिजल्ट मिल सकता है। मेरे को कोचिंग से नहीं मिला क्योंकि जो 40 दिन की पढ़ाई थी ना वो भी मुझे बेनिफिशियल नहीं लगी कि हाँ मेरे लिए किसी भी काम वो चीज़ आई, मेरे लिए वो चीज़ बेकार ही थी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी मुझे सही लगी। KVS के इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने खुद ही अपने आप से करी थी, नंबर भी बहुत सही थे, बट फाइनल लिस्ट में गड़बड़ होनी होती है वो हुई, बट ओवरऑल ठीक था। सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कोचिंग सेंटरों का या इसका, तो इसके बाद से मैं कभी किसी कोचिंग सेंटर में गई नहीं कि मुझे कोचिंग लेनी है, मैंने सेल्फ स्टडी को प्रेफरेंस करी। तो ये मेरा सिंगल एक ऐसी चीज है जिस वजह से मैं आप लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट सजेस्ट नहीं करती कि आप यहाँ पे जाओ या वहाँ पे जाओ या ऐसे जाओ। अगर आपको जाना भी है तो आप अपने ऊपर जाओ, कि मीन्स आप अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अकाउंटेबिलिटी पे जाओ और पता करो। और मुखर्जी नगर में आने से पहले, जो अब आप इतनी दूर आना चाह रहे हो उससे पहले आप किसी और के सजेशन पे मत जाओ, पहले अच्छी तरीके से चीज़ें जज कर लो, क्योंकि टीचिंग के लिए बहुत कम इंस्टीट्यूट है, SSC CDS इसके लिए आपको भतेरे मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, बहुत फेमस है, बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपके साथ ऐसा डर भी नहीं है कि ये छोड़ के भाग जाएंगे या पैसे लेके भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा क्योंकि कब क्या हो जाए हम नहीं कह सकते, रातों रात बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कभी बंद हो जाते हैं या उनकी जो है ब्रांच कहीं और खुल जाती है या कहीं से कहीं कुछ तबादला हो जाता है, आपको नहीं पता। तो आपके लिए टिप्स ये है कि जब भी आप कोचिंग सेंटर में जाओ भाई अच्छे से ना पता कर लो, सिर्फ ऊपरी दिखावे पे मत जाओ, सारी चीज़ें अच्छे से पता कर लो। सेकंड चीज़, स्टार्टिंग में ही सारा पैसा मत दो, सारी चीज़ें थोड़े से अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, थोड़ा सा पैसे देने के लिए टाइम मांग लो, उसके बाद पैसे दो। थर्ड चीज़ कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ना हर फैकल्टी बहुत अच्छी मिलेगी, मींस कि फैकल्टी आपको सारी ऐसी मिलेगी कि आपको कुछ ना कुछ किसी से समझ में आ रहा हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको सारी फैकल्टी अच्छी मिलेगी, आप सबसे सब कुछ समझ पाओगे, नहीं हो सकता ऐसा। तो कहीं ना कहीं कुछ फैकल्टी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप मेक श्योर करो कि फैकल्टी से आपको सबको समझ में आ रहा हो, और जो भी प्रॉब्लम हो ना आप जाके बोलो उनको बार बार, क्योंकि भाई आप पैसे दे रहे हो आपका हक है,
तो कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें डाउट क्लास चाहिए और ये सारी चीज़ें। और स्टार्टिंग में ना ये सारे कोचिंग सेंटर वाले बोलते हैं हम आपको डाउट क्लास देंगे, हम आपके रेगुलर टेस्ट कराएंगे, आपका टेस्ट होगा, हम आपको आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। देखो सब झूठ है, कोई कुछ नहीं कराता, कोई कुछ नहीं देता। एक डाउट क्लास नहीं होती, कोई क्लास टेस्ट नहीं होता। और डाउट क्लास होती भी है तो क्यों होती है, बहुत सारे बच्चों को, अलग अलग बैच के बच्चों को बहुत सारों को बुला लिया जाता है और इकट्ठा बिठा के डाउट सॉल्व करे जाते हैं। उसमें आप क्या ही अपने डाउट पूछ पाओगे। मेरे इस इंस्टीट्यूट में अट्रैक्ट होने का एक ही था कि यहाँ पे बच्चे कम लगे थे, मुझे 15 से 20 बच्चे थे, तो मुझे लगा कि हाँ भाई मैं 15 से 20 बच्चों में पढ़ सकती हूँ। यहीं पे मैं कहीं बड़े से अच्छे में जाती तो वहाँ पे 100-200 में मैं नहीं पढ़ पाती। जहाँ माइक से पढ़ाते हैं या स्पीकर लगा होता है, हम वो करके देख रहे होते हैं, तो टीचिंग के लिए इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि मुझे ऐसे इतना बड़ा ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं तो वहाँ कुछ सीख ही नहीं पाऊंगी। तो ये चीज़ें थी, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। इस वजह से मैं आपको नहीं बोलती थी कि आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाओ। बाकी मुखर्जी नगर अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, आप वहाँ पे जाओ, बिल्कुल पता करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टीट्यूट वगैरह में सब जाओ। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपको नहीं सजेस्ट करती। अब मुझमें एटीट्यूड है या क्या है वो देखो मुझे नहीं पता, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं वो जो इंस्टीट्यूट वाले आपको बहुत कुछ दिखाते हैं कि ऐसे 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 होगा, बट ये रियलिटी नहीं होती। बाकी जब आप वहाँ पे एडमिशन ले लोगे ना, उसके बाद ही आपको चीज़ें पता चलती हैं। और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ों में फंस भी जाते हैं मेरे जैसे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें से एक ना हो, अच्छे से कोचिंग लो, अच्छे से तैयारी करो। और अगर आपका टारगेट सिर्फ टीचिंग है ना, तो आप टीचिंग वाले ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, SSC वगैरह में जाके फंस जाओगी, ठीक है। सो बस यही था मेरा सजेशन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।